तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये जो बिल्डिंग आप लोग को दिखाया जा रहा है, इसी बिल्डिंग के एक फ्लोर पे अक्षय कुमार जी रहते हैं। देख सकते हैं जो नारियल का पेड़ देख रहे हैं, जब लॉकडाउन लगा था तो यहीं पे ये थाली बजा रहे थे। और ये जो है ना मुंबई के जुहू इलाके में है, आपको बताते चलूँ, जस्ट ये एकदम समुद्र के किनारे आपको देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं इस तरीके से मैं बैक कैमरे से आप लोग को दिखा रहा हूँ। और यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग मतलब घूमने के लिए आते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, आते हैं इंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, किसी के साथ मतलब आ सकते हैं। आप देख कबूतर है, दाने निखार हैं। तो दोस्तों यही अक्षय कुमार जी का घर है। फिर से मैं आपको बैक कैमरे से पर दिखा दूँ कि ये जो नारियल के पेड़ यहीं से ये बजा रहे थे लॉकडाउन में अपना जो होता ना। और यहाँ से देखेंगे बस एक गेट निकला हुआ है, जिसपे इनका दो गेट है, एक इधर से आपको गेट निकलेगा तो वहाँ से भी आप आ जा सकते हैं। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, अक्षय कुमार के अलावा जो ऋतिक रोशन है वो भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं। आप देख सकते हैं मैं इस थोड़ा सा एंगल चेंज करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आइडिया आप लोग को लग सके। स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में, मैं आपका दोस्त नंदलाल गुप्ता। दोस्तों आज मैं गोरखपुर से चल के आगे मुंबई में, प्रेजेंट टाइम की बात करें मुंबई में हूँ जुहू बीच पर। और देखिए इधर समुद्र का आपको किनारा देखने को मिलेगा, लहरें काफ़ी तेज़ी से आ रही हैं एकदम यहाँ से। और इसके जस्ट बगल में देखेंगे तो ये जो आपको घर दिखाया जा रहा है, इधर देखेंगे ये अक्षय कुमार जी का घर। ऑलरेडी जानते होंगे कि आपको अक्षय कुमार जी ने कई सारे आपको हिट फिल्में दी हैं, काफ़ी इस तरीके से अपने ज़माने के पॉपुलर हीरो हैं। और उनकी सबसे बड़ी एक्टिंग से लेकर स्टंट से लेकर कॉमेडी मतलब सारे तरीके के रोल करने में काफ़ी माहिर माने जाते थे। अभी चलेंगे उनका बैक कैमरे से उनका घर दिखाऊंगा, उनकी पूरी बायोग्राफी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी उन्होंने मूवियाँ हिट दी हैं, उसके बाद कौन कौन सी उनके पास अभी गाड़ियाँ हैं, उनके कितने घर हैं, घर के बात करें टोटल कितने संपत्ति है, सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। उनके फैमिली में अभी कौन कौन यहाँ रहता है और क्या करते हैं, जितना मतलब मुझे संभव हो सकेगा मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको बताना चाहिए जो वीडियो काफ़ी धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, देखिए घर इनका जस्ट एकदम समुद्र के एकदम किनारे ही है एकदम, ये आपको जुहू बीच देखने को मिलेगा। और ये जो आपको दिख रहा है ना बगल में, ये जो यहीं से जब लॉकडाउन लगा था तो ये अक्षय कुमार जी और ऋतिक रोशन जी दोनों लोग अपना ये डांडिया बजा रहे थे, मतलब जहाँ डांडिया बोले तो क्या, अरे इस तरह के बर्तन से ठोक रहे थे। अब देखिए इस वाले जो बिल्डिंग आपको दिखाया जा रही वाला, अब इसमें किस फ्लोर पर रहते हैं हम चलेंगे, सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यही है अक्षय कुमार जी का घर, आपको बताते चलूँ। इस घर का नाम है प्राइम बीच और इसके दो गेट हैं। और ये जो आपको ब्लैक वाली दीवार दिख रही है, जब लॉकडाउन लगा था तो मोदी जी बोले थे तो उस टाइम थाली और ताली दोनों लोग इसी दीवार पर चढ़ के जो नारियल का पेड़ आप देख रहे हैं ना बजा रहे थे। दोस्तों अगर आगे की बात करते हैं मुंबई के जुहू इलाके में मौजूद प्राइम बिल्डिंग के इस डुप्लेक्स घर की कीमत करीब 80 करोड़ रुपये बताई जाती है। इस घर में अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना और बच्चों नितारा और आरव संग रहते हैं। इसके अलावा घर में आपको बताते चलो और भी सेलिब्रिटी रहते हैं, जैसे मान के चले जहाँ तक तो मुझे जानकारी है कि ऋतिक रोशन भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं। अक्षय कुमार जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ पे कई सेलिब्रिटी आते जाते भी रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो गेट देखने को मिलेगा, एक गेट तो आपको फ्रंट में मिल जाएगा, दूसरा गेट आपको जो अंदर की तरफ है यहाँ से आपको मिले, जो ऑटो आपको सामने हाथ पर दिख रहा है ना यहीं से गेट कटा हुआ है। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा बैक कैमरे से सारा चीज़ मैं दिखा ताकि वो आइडिया आपको लग सके। तो यहाँ पर जस्ट देखिए मैं गेट के सामने आ गया हूँ और देखिए यही गेट है, कभी कभी खुलता रहता है लोकार्थन। उसके जस्ट अगर पीछे की बात करें तो एक आपको देखने को मिलेगा गणेश जी की मूर्ति, क्योंकि आप लोग को पता होगा जो मुंबई वाले होते हैं वो गणपत भगवान का पूजा बड़ा शौक़ से करते हैं। अब देखिए प्राइम ब्रिज है और देखिए यहाँ कितने फ्लोर की बिल्डिंग आप लोग को दिखाई जा रही है। दोस्तों आगे बात करें तो इस घर के गार्डन में एक आम का पेड़ लगाया गया है जहाँ तक मैंने पता किया है, लेकिन समझ सकते मैं बाहर से शूट करूँ तो अंदर का सीन तो वैसे नहीं दिखा पा रहा हूँ। जिस पेड़ का नाता ट्विंकल खन्ना के जो पिता राजेश खन्ना से जुड़ा हुआ है, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के इस घर में ग्राउंड फ्लोर पर एक डिलक्स वार्डरूम मॉडर्न किचन के अलावा होम थिएटर भी मौजूद है। हाँ दोस्तों अगर आगे इनकी बायोग्राफी की बात करें तो अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर पंजाब के भारत में हुआ था। वह गुरु नानक खालसा कॉलेज मुंबई से कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। उनके पिता का नाम हरिओम भाटिया था जो एक सैन्य अधिकारी हैं। वैसे देखते हैं कि इनके अंदर तो बात करें तो जो अधिकारी वाले से आर्मी के प्रति काफ़ी ये एक्साइटमेंट भी रहते हैं। और इनकी माता का नाम अरुणा भाटिया है और इनकी जो बहन है उनका नाम आलिया भाटिया है। दोस्तों अगर आगे बात करें इनके कार संग्रह की बात करें तो पोर्स कोयनो, होंडा सी आर वी, वेटले, कॉन्टीवेल्ड जी टी, मर्सिडीज
जेंट क्लास, रेंज रोवर, फेरारी, मासेराटी, बीएमडब्ल्यू जेड फोर और टोयोटा सेलेलिका। बाइक के मामले में भी काफ़ी मशहूर माने जाते हैं, यमहा VMLX और हार्ले डेविडसन बाइक। इनके वेतन की बात करें तो 25 करोड़ रुपये फिल्म, मतलब एक अमाउंट के चार्ज करते हैं। लगभग संपत्ति की बात करें करीब करीब $150 मिलियन इनके पास है। अगर हिंदी में बात करें इसको तो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से मैंने अक्षय कुमार जी का घर दिखा रहा हूँ। धीरे धीरे अगर बात करें बॉलीवुड में अक्षय कुमार खिलाड़ी के नाम से बहुत लोकप्रिय हैं, क्योंकि इन्होंने खिलाड़ी शीर्षक की 8 फिल्मों में अभिनय किया है। खिलाड़ी, मैं हूँ खिलाड़ी, तू अनाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, मिस्टर इमेजेस खिलाड़ी, खिलाड़ी 420, खिलाड़ी 786। एक बॉलीवुड में इकलौते ऐसे हीरो जिसे खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में अब बात करें तो आपको योगदान दिया है। इन्होंने पंजाबी भजन निर्गुण राख लिया संतन का सत्कार किया जो अपनी आवाज़ दी है। इन्होंने भजन से एकत्रित धनराशि को, मतलब 7/11 मुंबई बम धमाकों में पीड़ितों को योगदान दिया था। समझ सकते हैं कि मतलब अक्षय कुमार जो जी हैं योगदान भी काफ़ी करते रहते हैं। तो ये मुंबई का प्राइम ब्रिज है जिसमें अक्षय कुमार जी रहते हैं, और देख सकते हैं आप, आपको डिस्प्ले प्राइम ब्रिज आप लोग को दिखाया बिजार जो गेट के सामने आप जस्ट देख रहे हैं, प्राइम ब्रिज आपको देख रहा हूँ, देखने को मिल रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं एक छोटा सा वीडियो था अपने चैनल के माध्यम से मैंने आप लोग को दिखाने की कोशिश की, काफ़ी अच्छा लगा होगा। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको बताते चलूँ। यहाँ पे आपको ऐतिहासिक जो चीज़ होती है वो देखने को मिल जाएगा, एक्टर का हाउस जो रहता है वो भी देखने को मिल जाएगा, जो मंदिर है तो भी चीज़ मिल जाएगा देखने को, और शूटिंग लोकेशन भी मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए जय हिंद, जय भारत।